हेलो गाइस, तो फिर सबका स्वागत है जी मेरे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो आपका BGMI एप्लीकेशन जी हाँ गाइस, उसमें आप जो कस्टम कार्ड आपको मिलती है देख सकते हो। जैसे मैं अपना कस्टम कार्ड दिखा देता हूँ कि मेरा अभी देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा कस्टम कार्ड 2 है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो अपना कस्टम कार्ड है वो क्रिएट आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो। जी हाँ गाइस, जैसे बहुत कोई को आता नहीं है कस्टम कार्ड बनाने, तो मैं आपको यही भी बताऊंगा कि कस्टम कार्ड आप कैसे बनाओगे। तो आपको सबसे सिंपल सा क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ना स्किप की वॉच करना, और आपको हम प्रोसेस प्रोसेस बताते रहेंगे कि आपको जो कस्टम कार्ड है वो कैसे आप क्रिएट करोगे। और यदि आप कस्टम कार्ड के बारे में नहीं जानते हो तो इसे मेरी पिछली वाली वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने बताया कि कस्टम कार्ड जो है वो परचेज कहाँ से कर सकते हो, और इसमें मैंने बताया है कि आप जो कस्टम कार्ड वो कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो शुरू करते हैं हमारा वीडियो, और हमारे जो एम हमारे चैनल का जो एम वो है कि 3 मिनट के अंदर वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका जो टाइम है वो भी बचा जा सके और आपके लाइफ को सिंपल और ईजी बनाया जा सके, और आप BGMI से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आपको सिंपल से क्या करना है, हमारे चैनल पर जाके लिस्ट बनाया है, आप वहाँ पर जाके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वहाँ वीडियो नहीं मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो और चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन की तरफ। और इससे पहले गाइस, आप लोग को हमेशा की तरह दो चीज़ करना है, पहले तो वीडियो को लाइक करना है, लाइक करने से हम मोटिवेशन मिलती है, इससे हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो किन किन लोगों को पसंद आ रही है, और सेकंड काम है जो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे वीडियो और चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन की तरफ। तो आपको सिंपली से यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो आप मैप वगैरह चेंज करते हो आपको वहाँ पर चले जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपडेट के बाद तो सब कुछ चेंज हो गया भाई, यहाँ पर ऊपर में रूम कार्ड का ऑप्शन है, ठीक है। आप क्रिएट रूम पे जैसे क्लिक करते हो, यूज़ पे क्लिक करते हो, ठीक है। अब ओके पे कर लिया, अभी तो मेरे पास कोई ऐसा लड़का है नहीं खेलने के लिए, तो जाहिर सी बात है भाई जो मेरा जो रूम रहेगा वो बर्बाद हो ही जाएगा। तो रूम पे घुसा मैं, उसके बाद क्रिएट पे यूज़ किया, यूज़ पे क्लिक किया, उसके बाद फिर मैंने ओके किया, ठीक है। उसके बाद क्रिएट रूम पे आपको फिर से क्लिक करना है, उसके बाद फिर देख सकते हो यहाँ पे जो है आपका, ओ भाई मेरा तो रूम बर्बाद ही हो गया, देख सकते हो। जैसे कि जो है मेरा TDM वगैरह अभी डाउनलोड नहीं है, तो इसमें अपडेट में मेरे को यही ऐसे लगा कि जो TDM आपका डाउनलोड नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो TDM है वो डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन हो जाता है, तो आपको यहाँ पे आगे नहीं देता है। तो आपको देख सकते हो आप जो TDM का ये है ना, आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेना, उसके बाद फिर आपको क्रिएट कर लेना। और मैं यहाँ पर सही से बता दूँ कि आप यदि यहाँ पे इरेंगल रखते हो, इरेंगल आप क्लिक करते हो, और आप यदि वहाँ पे क्रिएट कर देते हो, तो जो आपका जो है ना TDM फिर से वहाँ से चेंज करने का ऑप्शन देता है, बट वहाँ से चेंज नहीं होगा। तो आपको सिंपली से क्या करना है, यहीं से जो है आपको यहीं से आपको TDM सेट करके आपको जाना है, और वहाँ पे होता है क्या, TDM यदि सेट है तो इरेंगल सेट हो जाता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि मेरी हर घंटे घंटे की अपडेट आप तक मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।